नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। मैं हूं आदेश पुरी। बुधवार का दिन विधानसभा में एक अहम मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के बीच में टिकी गया। मुद्दा था सर्टिफिकेट और कौन कितना पढ़ा है इसको लेकर। शुरुआत इसकी सबसे पहले होती है बेनीपुर के विधायक विनय कुमार चौधरी के द्वारा, जो कि जदयू के विधायक हैं, और उन्होंने कहा, श्रेयसी सिंह को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके कारण ये पता चला कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो हैं वो स्कूल तक गए हुए हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने कटाक्ष किया कि तेजस्वी यादव जो हैं वो चरवाहा विद्यालय में, जिसको लेकर वो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का था चरवाहा विद्यालय, उसमें क्यों नहीं पढ़े। उनके पिताजी सक्षम थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे का एडमिशन दिल्ली में एक बड़े स्कूल में कराया। तो वही तेजस्वी यादव भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन सबसे पहले सुनिए जो आरोप लगे तेजस्वी यादव पर, क्या कहा विनय कुमार चौधरी ने। महोदय, मैं सबसे पहले अपनी बहन श्रेयसी सिंह के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपकी वजह से यह तो पता चला कि प्रतिपक्ष के नेता चरवाहा विद्यालय या पहलवान विद्यालय में नहीं पढ़कर दिल्ली के एक बड़े स्कूल में पढ़े हैं। वे और वह दिगर बात है कि वे डिग्री नहीं प्राप्त कर सके, यह सही है बोल रहे हैं, ये पूछते हैं यह ठीक है। लेकिन चरवाहा विद्यालय, जिसके लिए आप कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहचान है, उसकी ख्याति प्राप्त है, तो आपके आपके पिताजी ने जिन्होंने उसे खोला, उन्होंने क्यों नहीं आपको पढ़ाया। अगर वह चरवाहा विद्यालय उतना उपयोगी था तो आप उसे उन्हें पढ़ाते। ये गरीब गुरबे की बात करते हैं, चरवाहा विद्यालय खोलते हैं लेकिन अपने बच्चे के नामांकन के समय में जब मौका मिलता है तो वे नामांकन नहीं लेते हैं, कराते हैं, और तथाकथित बच्चे बड़े विद्यालयों में जाकर के अपने बच्चे का नामांकन कराते हैं। दिगर बात है कि उनके बच्चे डिग्री हासिल नहीं कर पाते हैं। जिस विद्यालय की स्थापना वे खुद की करते हैं, उसकी पढ़ाई की व्यवस्था पर उनको खुद का भरोसा नहीं रहता है। तो जैसा कि आपने सुना कि विनय कुमार चौधरी ने न ही तेजस्वी यादव बल्कि उनके पिताजी के लालू प्रसाद यादव के चरवाहा विद्यालय पर भी प्रश्न उठाया और इनके पढ़ाई पर भी प्रश्न उठाया, तो वही तेजस्वी यादव ने इसका जवाब देते हुए कहा कि वो दो दो सीएम के बेटे हैं, लेकिन पता होना चाहिए कि उनकी सात बहनें और उनके बड़े भाई तेज प्रताप वो भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, और उनका जन्म और उनके सारे भाई बहनों का जन्म जो है वो वेटनरी कॉलेज के चपरासी क्वार्टर में हुआ है। सुनिए तेजस्वी यादव ने क्या कहा। तो जानकारी बताना चाहेंगे कि दो 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 मुख्यमंत्री के हम पुत्र हैं, शायद ही ऐसा नसीब और ऐसा भाग्य शायद किसी को मिला हो। ये लोग कहते हैं जंगल राज है, जंगल राज दो दो उप मुख्यमंत्री का बेटा के पास भी फर्जी डिग्री नहीं है, ये ऑनेस्टी है। आपके जो नेता प्रधानमंत्री हो या स्मृति ईरानी जी हो, उनको थोड़ा डिग्री जरा बताइएगा। दूसरी बात महोदय, अध्यक्ष महोदय, जहां तक सरकारी स्कूल की बात है, संदीप सौरभ जी, जहां तक सरकारी स्कूल की बात है महोदय, इनको पता नहीं मेरी सात बहनें हैं और मेरे बड़े भाई हैं, सभी लोग ज्यादातर सरकारी स्कूल ही में पढ़े हैं, और जहां डिग्री का सवाल है, शायद ही बहुत ही कम लोगों को मौका मिलता है कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल सकता है। संदीप सौरभ जी, हम सोचे कि थोड़ा जस्टिफाई कर दे, ज्यादा जानकारी आप लोगों को नहीं है। हमारा कृपया निजी टिकट, हमारा तो जन्म ही चपरासी क्वार्टर में हुआ है। नेता प्रतिपक्ष कृपया बैठ जाए। इसलिए अध्यक्ष महोदय, उसने पूरी जानकारी इन लोगों को मिलती नहीं है, इसलिए जो बोला है इन्होंने वो रिकॉर्ड से निकलवाया जाए, दिखवा दे। तो जैसा कि आपने सुना कि तेजस्वी यादव ने कहा कि उनका जन्म चपरासी क्वार्टर में हुआ है, और उन्होंने कहा कि दो दो सीएम के बेटा होने के बावजूद और उनके शासन को जंगल राज की उपमा दी जाती है, इसके बावजूद उन्होंने फर्जी डिग्री नहीं दिखाया, जितना पढ़ा है उन्होंने उतना अपना बताया। साथ ही साथ उन्होंने नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी के भी पढ़ाई लिखाई पर प्रश्न उठा दिया। अब देखने वाली बात है कि ये जो प्रश्न उठा है ये आगे कहां तक जाएगा
और विधानसभा में भी कल मुद्दा ये गर्म रहा, कौन कितना पढ़ा है, चरवाहा विद्यालय, ये सब। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।